फरीदाबाद में पंचायती चौपाल को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला। दरअसल मामला फरीदाबाद के सही गांव का है, जहां पर गांव के रहने वाले दोनों पक्षों के बीच में पंचायती चौपाल को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद के चलते कई बार पहले भी दो पक्षों में झगड़ा हो चुका है, तो वहीं ताजा वारदात में एक पक्ष में दूसरे पक्ष के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई और उसके बाद जब कहीं उसे तसल्ली नहीं हुई तो दूसरे दिन आरोपी पक्ष में फिर से पीड़ित पक्ष के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब बल्लमगढ़ के DCP अनिल कुमार ने कहा है कि सही गांव के दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है, जिसका CCTV पुलिस को मिला है, साथ ही साथ शिकायत भी मिली है। शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सीगांव का मामला रहा है, जहां पर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, लाठी डंडे चलते हैं, फिर दूसरी बार जो है वो गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ कारण? देखिए, सीही गांव का मैटर है ये, और हमारे पास अभी सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के अंदर इसके में कंप्लेंट मिली है। CCTV फुटेज को भी हम एक बार देख रहे हैं, दोनों तरफ से चेक कर रहे हैं, और इसके अंदर जल्द ही FIR दर्ज करके और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर ये जो है वो लड़ाई झगड़ा है, किस बात को? ये बेसिकली गाँव में दो ग्रुप है, उनका आपस में एक चौपाल को लेकर झगड़ा है, कुछ टाइम से चला रहा है, ये हमारी नॉलेज में है। मैं प्रिवेंटिव एक्शन भी पहले इसमें लिया हुआ है, बट इसमें जो ये हुआ है अभी झगड़ा, इसके ऊपर भी हम तुरंत एक्शन करेंगे और FIR दर्ज कर रहे हैं। चौपाल है ये, प्राइवेट है, गवर्नमेंट की है, मतलब पंचायत? देखिए, पहले से काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चला आ रहा है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मामला ऑलरेडी ये कोर्ट के अंदर चला हुआ है। CCTV में देखा जा रहा है कि बिल्कुल भय नहीं है, पुलिस का कानून का कोई डर नजर नहीं आ रहा है, लाठी डंडे तक चलते हैं, कार से जान से मारने की कोशिश की जाती है। देखिए, जो जिस तरह के जो ये शरारती तत्व हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब तक मुकदमा दर्ज, कब तक कार्रवाई मानी? अभी आज ही हम मुकदमा दर्ज करके और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। कौन कौन लोग हैं, कोई पता चल पाया? अभी बाई नेम एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई है, तो ऐसा नहीं अननोन नहीं है कि आरोपियों के नाम तो अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगा सभी, क्योंकि हमें एक बार एनालाइज करना है CCTV फुटेज की, कौन एक्चुअल में है। नाम तो उन्होंने कुछ दिए हुए हैं और फुटेज में कुछ दिख रहा है कि गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी तक मेरे पास फुटेज आई है, तो एक बार हम वेरीफाई करके और उसके बाद ही नाम बताएंगे कि एक्चुअल में कौन इन्वॉल्व है। जो कानून को ताक पर रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डेफिनेटली की जाएगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है, पप्पी है जी। बलदेव भाई, कौन से गांव के रहने वाले और आपको जो मारपीट करिए, क्या मामला? सर, मैं सीगाम का ही रहने वाला हूँ, चौधरी मोहल्ले से। क्या है कि सर, इस पे विवाद हो रहा है हमारा काफी टाइम से, ये लोग क्या है इस पर कब्जा करना चाहते हैं। किस पे? चौपाल पे। पहले भी एक दो बार वारदात हो चुकी है, मारपीट हो चुकी है। कल परसों की रात में एक भाई है हमारा, उसका घर उनके गांव से बाहर है रोड पे, मैं उसे छोड़ने जा रहा था, उसने कहा कि भैया पेशाब का कर लूँ, मिलती चौपाल पे बाथरूम बना हुआ है, वो चढ़ गया, मैं भी चढ़ गया उसके साथ। उसके बाद पेशाब करके जैसे हम वापिस आए तो दर्शन आ गया वहाँ, दर्शन ने मेरे से कहा, हाँ भाई तुम यहाँ कैसे आ गई, मैं क्यों कहा हो, अरे ये तो हमारी चौपाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, बाहर निकलो तुम यहाँ से। मैंने ये कही बिल्कुल तू निकाल दे बाहर से, तो दर्शन ने मेरे से ही पता क्या कहा कि तू अकेला लड़ ले मेरे से, तो उसको लगा कि भाई इसके साथ दो और है तो अरे अकेले लड़ ले मेरे से, लड़ ले भाई, तो उसी में मेरी हुई है जी हाथापाई। उसके बाद फिर उसके घर वाले आए, वो शिवराम और रामकृष्ण मलिक, उसका लड़का था रामकृष्ण मलिक का। गाड़ी लेके? नहीं नहीं, वो तो गाड़ी तो बाहर का है, कल का हुए, परसों की बात बता रहा हूँ मैं, जो चौपाल पे हुई पहले लड़ाई झंडा हुआ। हाँ, तो ये गाड़ी कौन लेके आया? गाड़ी ये इनका है बाली, रामकृष्ण भाई है ये, इसका भाई वे लेके आए। गाड़ी में जी तीन गाड़ी थी वहाँ पे। क्या कह के गए, वो अब देखो जी मानने के उससे आई, अब तो वो जाने की क्या है,